मैं रुपेश कुमार, नेचुरोपैथ, मेटाबॉलिक चिकित्सा संस्थान पटना। मेरा कुछ सवाल है डॉक्टर साहब से डायबिटीज़ के विषय में, और बहुत सारे पेशेंट का भी ये जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। जो डायबिटीज़ जो है क्या होता है, मरीज़ जानना चाहते हैं कि डायबिटीज़ क्या होता है। तो डायबिटीज़ के बारे में हर एक आदमी जानता है कि ये इंसुलिन की कमी से होता है और इसमें ब्लड में शुगर बढ़ जाता है। ये आदमी आमतौर पर हर एक व्यक्ति जानता है, लेकिन डायबिटीज़ क्यों होता है, डायबिटीज़ कैसे होता है, डायबिटीज़ के मरीज में इंसुलिन का कमी क्यों हो जाता है, डायबिटीज़ का मरीज का इंसुलिन देने से भी शुगर कंट्रोल क्यों होता है, बहुत सारा प्रश्न है इसमें, जो कि आपका एलोपैथिक डॉक्टर जिसका आंसर देना नहीं चाहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है जो एलोपैथिक और आपके पद्धति में डायबिटीज़ में क्या अंतर है। एलोपैथिक पद्धति में और मेरे पद्धति में बेसिकली फर्क, एलोपैथिक को समझिए पहले क्या है। एलोपैथिक एक मार्केट बेस्ड पद्धति है, इसके तहत आपको उतना ही नॉलेज पब्लिक को या डॉक्टर को दिया जाता है जिससे कि वो एक सेल्समैन बना रहे और मरीज एक परचेजर बना रहे। बीच का ज्ञान जो है हटा दिया जाता है। अब इस बात को समझिए फिर से, जैसे किसी को डायबिटीज़ है, यदि वो जान जाए कि ये चीज़ खाने से, ऐसे व्यवहार करने से वो ठीक हो जाएगा, तो वो ऐसा करेगा और डॉक्टर के पास नहीं जाएगा। उसको डॉक्टर को भी नहीं पता रहता है कि डायबिटीज़ में मतलब इंसुलिन का कमी क्यों हो जाता है। डॉक्टर को सिर्फ इतना बताया जाता है कि इंसुलिन का कमी हो जाता है या इंसुलिन का रेसिस्टेंस हो जाता है। इसके आगे की कहानी उस डॉक्टर से भी छुपा ली जाती है। यही फर्क है। हमारा जो मेटाबॉलिक चिकित्सा है इसमें संपूर्ण विज्ञान की बात होती है और वहाँ पर विज्ञान को छुपाया जाता है, पब्लिक से छुपाया जाता है, इवन डॉक्टर से छुपाया जाता है। क्यों? यदि डॉक्टर भी जान जाएगा कि भाई ये फूड मटेरियल डाइट वगैरह से ठीक हो जाता है डायबिटीज़, तो वो फिर एलोपैथिक दवा नहीं लिखेगा। ये फर्क है, मूल फर्क यहाँ है। ऐसा नहीं है कि विज्ञान अलग हो गया, विज्ञान वही है, यहाँ भी वहाँ भी वही विज्ञान है, लेकिन यहाँ पर विज्ञान में कोई धोखाधड़ी की बात नहीं हो रही है। एलोपैथिक में ज़्यादातर चीज़ को छुपा के आपको वही चीज़ बताया जाता है जिससे आप लाचार बने रहो, ये सच्चाई है। बहुत सारे मरीज जो है एलोपैथिक दवा बंद करने से डरते हैं, आपके पद्धति में जो है तुरंत ही एलोपैथिक दवा को बंद कर दिया जाता है, क्यों? अब देखिए, डायबिटीज़ का जो एलोपैथिक दवाई जितनी भी है वो मैंने पहले भी कई वीडियो में बता दिया है कि ये बेसिकली पेस्टिसाइड से डिराइव किया हुआ चीज़ है। पेस्टिसाइड मतलब होता है जो आप गांव में पेस्टिसाइड छिटते हैं। तो इसको रुपेश जो नेचुरोपैथ हैं इनको भी एक्सपीरियंस है कि वही सल्फोनाइल यूरिया इसका एक रिलेटिव खा लिया था तो कितना क्या हुआ था, इसको भी पता है कि तुरंत ही मर गया था, वो दो तीन दिन के अंदर डेथ हो गया उसका। लेकिन वही सल्फोनाइल यूरिया पेस्टिसाइड में यूज होता है, वही सल्फोनाइल यूरिया लोग दवा के रूप में भी खा रहा है। ये इसका जीता जाता एग्जाम्पल है कि वही सल्फोनाइल यूरिया जब एक चम्मच आदमी पी लिया तो वो इमीडिएट डेथ हो गया, मतलब तीन चार दिन में उसका डेथ हो गया और धीरे धीरे उसको कोई डॉक्टर नहीं बचा पाया। तो सल्फोनाइल यूरिया क्या है, एक पॉइजन है जो कि बॉडी से किसी भी तरह से एलिमिनेट नहीं हो सकता है, इसीलिए उसके खिलाफ में बॉडी शरीर जो है फैट बनाता है और जो फैट बनाता है उसके वजह से शुगर घट जाता है, मतलब शुगर से फैट बन जाता है, शुगर से फैट बन जाता है तो शुगर घट जाता है। तो ये प्रक्रिया है सल्फोनाइल यूरिया नामक पॉइजन देके लोगों का शुगर घटाने का। तो ये यदि आदमी वो सल्फोनाइल यूरिया खाता रहेगा, कोई आदमी स्मॉल डोज में भी रोज जहर खाता रहेगा, तो वो शुगर कैसे ठीक होगा उसका, वो तो बेचारा एक तरह से तो ये क्या कहते हैं डायबिटीज़ की जितनी भी दवाई चलाई जा रही है एक तो स्कैम के तहत है। अब सबको पता है कि ये स्कैम है, तो स्कैम का शिकार बने लोग रहे तभी नहीं रहेगा जब उसको जानकारी सच्चाई का पता ना रहे। तो हमारी पद्धति में और ये एलोपैथिक में एक सबसे बड़ा फर्क है इंसानियत का। यहाँ पर इंसानियत की बात हो रही है, यहाँ इलाज की बात हो रही है, वहाँ बात हो रही है कि इसको पता न चलने दो कि हमने मैन्युफैक्चर दवा कैसे किया। अब यदि डॉक्टर से पूछेंगे, यदि आप लोग पेशेंट हैं, अपने डॉक्टर से पूछिए कि भाई ग्लिमेप्राइड बनता कैसे है, मेटफॉर्मिन कैसे बनता है,
उसको डॉक्टर को ही नहीं पता कि कैसे बनता है। आप खुद सोचिए कि डॉक्टर को पता होना चाहिए कि नहीं, ये बात डॉक्टर को पता होना चाहिए कि नहीं दवा कैसे बनता है, लेकिन डॉक्टर ये जान ही नहीं रहा कि दवा कैसे बनता है। तो वैसे कंडीशन में कोई डॉक्टर कैसे, मतलब कितना अन्याय बात है कि डॉक्टर को खुद नहीं पता है कि दवा कैसे मैन्युफैक्चर हो रहा है। तो ये फर्क है, इसीलिए दवाई बंद करना जरूरी है। दवाई में ही बीमारी छुपा हुआ है एलोपैथिक एज में, डायबिटीज में। हजारों लाखों लोग एलोपैथिक दवा ले रहे हैं, तो आप क्यों बंद करते हैं? अब जानिए कि दवाई, हजारों लाखों लोग दवाई ले क्यों रहा है। ये पिछले 100 साल से पब्लिक में कोशिश करके दवाई को फैलाया जा रहा है, लोगों को बार बार खिला खिला के उसकी आदत दिलाई जाती है। इवन सरकार भी इसमें शामिल होता है, लोगों को फ्री में दवाई खिलाई जाती है कि भाई दवाई ज़बरदस्ती खाना है, गरीब आदमी है तो उसको भी खाना है। तो ये खिलाते खिलाते जो है ना, उसके प्रति लोग को सेंसिटाइज कर दिया जाता है और लोगों के दिमाग में भर दिया जाता है कि ये अमृत है, इसको पीने से खाने से जिंदगी बढ़ेगा, लाइफ स्पैन बढ़ेगा। थोड़ा मोड़ा जहर ही है तो क्या हुआ, लेकिन जहर से ही आदमी का ज़िंदगी बनेगा। इस तरह के लोगों को समझा बुझा के लोग दवाई का बिजनेस कर रहे हैं और लोगों को दवाई खिला रहे हैं। इसीलिए हम लोग बंद करते हैं, हम ही नहीं, जितने भी आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, नेचुरोपैथ हैं या एलोपैथ में भी, ऐसे बहुत सारे एलोपैथ ऑनलाइन भी प्रैक्टिस करते हैं जो दवाई बंद करने की बात करते हैं। ये सिर्फ इंसानियत वाली बात है और कुछ नहीं है। अच्छा, डायबिटीज़ के जो मरीज हैं उनके खान पान में क्या होना चाहिए? अब देखिए, अब आप लोग ध्यान से सुनिए, बस इतना तो बात कर लीजिएगा तो आपका डायबिटीज़ यदि ज़्यादा सीरियस नहीं है तो ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। सबसे पहला, आप सुबह में ब्रश वगैरह करके थोड़ा सा अदरक और लहसुन खाइए, एक एक कली या 5 ग्राम से कम। और नाश्ता में आप भरपेट फल सलाद ये सब खाइए, जैसे आम, गाजर, मूली, खीरा, टमाटर, ककड़ी, तरबूज, जो भी चीज़ है जितना भी आप खा सकते हैं खाइए। दोपहर में जो खाना खाते हैं कोशिश कीजिए, चावल खाना है तो सिर्फ चावल खाइए, रोटी मत खाइए, दिन में रोटी मत खाइए, दिन में चावल खाइए, चावल दाल सब्जी जो भी आप घर में खाते हैं वो खा लीजिए। और उसके साथ थोड़ा फल उल खाना चाहते हैं वो भी खाइए, नारियल का चटनी रेगुलर सेवन कीजिए, ये हो गया। शाम को आप यदि नाश्ता करते हैं तो कोशिश कीजिए कि उसमें तला हुआ चीज़ ना खाएं, चूड़ा भुजा खाइए, ये सब चीज़ चूड़ा भुजा या कुछ भी सत्तू वगैरह भी खा सकते हैं। रात को थोड़ा सवेरे खा के आप जो भी रात में खाना खाते हैं वो खा लीजिए। इतना करने से 50% आदमी डायबिटीज़ क्योर हो जाएगा, 50% लोग डायबिटीज़ मुक्त हो जाएंगे सिर्फ इतना ही करने से। बाकी जो 50% होंगे उसके लिए थोड़ा सा दोपहर में भी आपको सलाद खाना पड़ेगा, हल्का फल्का फल खाना पड़ेगा और रात को भी थोड़ा मोड़ा फल खाना पड़ेगा। वैसा करने से 75-80% लोग डायबिटीज़ से मुक्त हो जाएंगे। इतना आसान है डायबिटीज़ को ठीक करना। जैसे ज़मीन के अंदर होने वाले जैसे कि आलू हो गया, शकरकंद हो गया, तो एलोपैथिक डॉक्टर जो है इसको मना क्यों करते हैं? बरसों से लोगों को मालूम है कि ज़मीन के नीचे का चीज़ जो है आदमी के लिए अमृत समान होता है। यदि कोई मूली है, गाजर है, जो भी ज़मीन के नीचे होता है और जो भी चीज़ ज़मीन में सटा हुआ होता है, जैसे खीरा हुआ, ककड़ी हुआ, ये सब ज़मीन से जुड़ा हुआ चीज़ है, ये आदमी के लिए अमृत समान होता है। डायबिटीज ही नहीं, बाकी बीमारी भी इससे ठीक हो सकता है। क्योंकि ये देखिए, अब फिर यही पर कन्फ्यूजन है, जो एलोपैथिक पद्धति है उसमें क्या, उसका उद्देश्य क्या है? आदमी को लाचार बनाना। लाचार बनाने के लिए क्या करेगा? आपको वो सब चीज़ मना करेगा जिससे आपका भलाई हो जाए, तो वो सब चीज़ मना किया जाएगा, जैसे कि ज़मीन के अंदर का चीज़ मत खाइए, नहीं नहीं खाने के लिए बोलेगा। क्यों? क्योंकि आपका डायबिटीज इससे ठीक हो जाएगा, आपको बार बार डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़ेगा, आपका लाचारी खत्म हो जाएगा धीरे धीरे। ये एक साजिश के तहत होता है। प्रोटीन डाइट से डायबिटीज कभी कंट्रोल नहीं होता है। यदि कोई आदमी प्रोटीन डाइट खाता है, खास करके पनीर या चिकन, ये दोनों खाने से डायबिटीज़ कभी ठीक नहीं होगा, वो डायबिटीज़ और सीरियस होता चला जाएगा। इसके पीछे ये वजह है कि जो भी हाइब्रिड फूड होता है, हाइब्रिड फूड जो प्रोटीन यदि उसमें है, हाइब्रिड प्रोटीन, वो डेंजरस होता है। ये चीज़ है, ये सब जब तक आदमी जुड़ेगा नहीं इस सिस्टम से, जब तक सच्चाई लोग नहीं जानेगा, तो अपने आप को ठीक भी नहीं कर पाएगा।
चाहे वो इंग्लैंड में इलाज करा ले, कहीं भी इलाज कराने से थोड़ी बीमारी ठीक हो जाएगा। बीमारी ठीक होगा तब जब को सही इलाज होगा, चाहे वो सही इलाज कहीं भी हो। इसके अलावा यदि कोई दवा के बारे में जानना चाहते हैं, कोई एलोपैथिक मेडिसिन के बारे में जानना चाहते हैं, या कोई और बीमारी के बारे में डिटेल नॉलेज चाहते हैं, तो आप कमेंट में लिखिए, हम अगले एपिसोड में आपको इसका जवाब देंगे। धन्यवाद।